Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is past paper prepositions. Aaj aap dekhenge ki maazi mein students ko kis tarah ke preposition ke azab se nimatna pada, aur we will be aforehand prepared for it. Hum pehle iski taiyari kar lenge. Ye 2020-21 aur onwards students ki help ke liye ye special lecture prepare kiya ja raha hai, and we will inshallah try to solve all the past paper prepositions. So, इस सफर में अल्लाह ताला हम सबको समझने की तफहीम की तौफीक दे, आमीन। और सफर पे निकलने से पहले ये तालीमी सफर की दुआ पढ़ लें अज़ीज़ तलबा, रब्बे यस्सिरली अमरी, और दूसरी भी पढ़ लें, रब्बे ज़िदनी इल्मा इल्मन नाफ़ियन, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। आइए डियर स्टूडेंट्स, ये याद रख लें कि क्लास 5 से 12 तक आपके कोई भी नियर एंड डियर 1 है तो आप उनको ये चैलेंज दे सकते हैं या उन्हें पढ़ा सकते हैं। सो 15 मिनट्स टाइम होगा, आपने 80 प्रेपोजिशन और 80 सॉल्व करने होंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट वन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, हिज हाउस इज अडॉर्न्ड ब्लैंक फ्लावर्स, सो हिज हाउस इज अडॉर्न्ड विद फ्लावर्स होगा। ओके, सो नेक्स्ट, ही सेड इट ब्लैंक माई फेस, ही सेड इट टू माई फेस होगा, फेस टू फेस बात जिस तरह डियर स्टूडेंट्स होती है, तो इसीलिए सेड इट ऑन माई फेस नहीं होगा बल्कि टू होगा। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस 3, दिस इज पेनफुल ब्लैंक मी, दिस इज पेनफुल फॉर मी, सो यहां पे पेनफुल फॉर होगा। नेक्स्ट, आई मेट हिम ब्लैंक द वे, सो आई मेट हिम एट द वे या इन द वे, ऑन द वे, सो आई मेट हिम ऑन द वे, मेरी मुलाकात उससे जो रास्ते पर हुई है। He was astonished blank the sudden arrival of his friend, वो अपने दोस्त की अचानक आमद पर astonished at होगा, क्या होगा, surprised at, astonished at होगा। Next, he was meditating blank the problem, so meditate upon भी होता है on भी होता है, तो वो उस पर गौर कर रहा था, इस्तग़राक कर रहा था, so meditating क्या होगा on। So next we have the thief broke blank the house, so the thief broke out in या up या into, so into, break into, broke into students and नकब लगाना यानी जबरदस्ती घुस जाना, illegally enter होना। So now we move to question 8, he deals blank clothes, so he deals in, on, at या for, so he deals in, deal in होता है कारोबार करना, clear। अगर आप मिसवाकें बेचने का कारोबार करते हैं सो तो क्या होगा, यू डील इन, सो मिसवाक ही होगा या टीथ क्लीनिंग, ट्विग, TWIG, ट्विग होती है टहनी। सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 9, वी वेंट देयर ब्लैंक फुट, सो वी वेंट देयर ऑन फुट होता है, क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑन फुट, अ फुट भी कहते हैं, AFOOT, अ फुट लगाए तो ऑन लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्लियर। नेक्स्ट, ही कम्स ब्लैंक अ नोबल फैमिली, so he comes on off to या OFF off, so correct answer is off, come off their students होता है ताल्लुक होना, क्या होना, ताल्लुक होना। next 11th है, the principal gave blank the prize, so gave away, give away, gave away क्या होता है, तकसीम करना, बांटना। he is travelling blank road, so he is travelling on road, at या for या by, so he is travelling by road, by air, by road, clear, by sea, so he, it is better to write, ये ही नहीं होगा dear students, यहां पर होगा it, let me change for you, it is better to write dash ink, it is better to write with ink लग रहा होगा आपको, या off या on, लेकिन in answer है, so it is better to write in ink, ink से लिखना, write with नहीं होगा, ink है, write with a pen है। You should abide blank your promise. आपको अपने वादे की पासदारी करनी चाहिए, वादे की पाबंदी करनी चाहिए। So इसका क्या होगा? You should abide by. तो abide by क्या होता है? पाबंदी करना। He hankers blank riches. Riches या यहाँ पे wealth है, दौलत है। So he hankers of या over या to या after. So guess which one. So he hankers after. यानी wish करना। Hanker after का मतलब है longing, ख्वाहिश करना, तमन्ना और आरजू करना, क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव 16th, विच इज ही वॉज चार्ज्ड ब्लैंक थेफ्ट, सो ही वॉज चार्ज्ड
विद थेफ्ट, यानी उस पर चोरी का इल्जाम लगा, चार्ज विद. नेक्स्ट शी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी, उसे अपनी हुसन पर जो फखर है, फखर करती है, नाला है, नाजा है, नाला तो नाराज होता है, नाजा है यानी नाज करती है. सो शी टेक्स प्राइड इन, तो टेक प्राइड इन होता है, तो इन आंसर होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज दे वर अक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट, सो दे वर अक्यूज्ड ऑफ व्हाट, ऑफ, सो दे वर अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी उन पर चोरी चोरी का क्या लगा, इल्जाम लगा, इल्जाम आयद हुआ. 19th है द ऑफिसर टर्न्ड ब्लैंक माय रिक्वेस्ट, सो द ऑफिसर टर्न्ड डाउन, टर्न डाउन का डियर स्टूडेंट्स मीनिंग होता है रिजेक्ट करना. सो ऑफिसर ने मेरी जो रिक्वेस्ट है वो टर्न डाउन यानी रिजेक्ट कर दी है, मुस्तरद कर दी है, ठुकरा दिया. ही अवेल्ड हिमसेल्फ ब्लैंक दिस चांस, सो ही अवेल्ड हिमसेल्फ, सो अवेल डियर स्टूडेंट ऑफ होता है, अवेल ऑफ क्या होता है, फायदा उठाना. तो उसने इस मौके से चांस यानी फायदा, मौके से फायदा उठाया. नाउ वी मूव टू 21. हु इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक दिस एक्सीडेंट, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट. नेक्स्ट 22. ही बैग्ड ब्लैंक हिज प्रॉमिस, सो ही बैग्ड आउट, अपने वादे से मुकर जाने को डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, बैग आउट, बैग आउट. सो 23. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, सो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन सक्सेस होगा, क्या होगा, ऑन. नेक्स्ट वी हैव डू नॉट बी जेलस ब्लैंक अदर्स, यहाँ पे अदर्स वी नीड टू एड एस, क्लियर. सो डू नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स, सो ऑफ सिंगुलर एफ होगा, डबल एफ नहीं होगा. सो दिस इज द आंसर, फील जेलस ऑफ. ही कॉट मी डैश द नेक, उसने मुझे गर्दन से पकड़ा, तो आपका दिल चाह रहा होगा ही caught me from the neck, ये नहीं होगा, he caught me by the neck होगा, clear. So आपके टेस्ट के लिए he caught me with to, यहां पे मैं from लिख देता हूं ताकि आप next time from ही टिक करें, ताकि आपका एक नंबर तो कट जाए टेस्ट में. Okay, next है he is fond blank sweets, so fond of होता है शौकीन होना, क्या है ना, शौकीन होना. So 26. Now 27th, you may count dash my help, you may count blank my help in this matter. So यहां पे you may count on होगा, count on का मतलब क्या है, यहां पर इसका मीनिंग होगा rely, count on यानी you count on, you may count on my help in this matter, इस मामले में आप मेरी मदद पर rely कर सकते हैं. Next is 28th, they are indifferent ब्लैक वर्ल्डली गेन्स, सो दे आर इनडिफरेंट टू, इनडिफरेंट का मतलब होता है दे डू नॉट केयर अबाउट इट, उनका कोई लेना देना नहीं है. सो वर्ल्डली गेन्स यानी दुनियावी फायदे, वर्ल्डली गेन्स क्या होंगे, दुनियावी फायदे. और 29th है ही ब्रोक ब्लैंक विद हिज फ्रेंड फॉर नथिंग, ही ब्रोक ब्लैंक विद हिज फ्रेंड फॉर नथिंग. सो यहां पर ब्रोक अप, ब्रेक अप, ब्रोक अप क्या होगा, रिश्ता या ताल्लुक या नाता तोड़ना. सो उसने बिना वजह, फॉर नथिंग बिना वजह, उसने बिना वजह अपने दोस्त से नाता तोड़ा, रिश्ता तोड़ा. सो लास्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज टू, ओके, ही इज एंक्शियस ब्लैंक द एग्जामिनेशन, ही इज एंक्शियस अबाउट ऑफ फॉर फ्रॉम. सो डियर स्टूडेंट एंक्शियस अबाउट होता है, लेकिन अब चूंकि एग्जामिनर ने अबाउट की ऑप्शन नहीं दी, सो एंक्शियस फॉर हो सकता है, लेकिन याद रखें अगर अबाउट की ऑप्शन होगी तो हम एंक्शियस अबाउट लिखेंगे. यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू 31st. दे हैव इंक्वायर्ड ब्लैंक योर हेल्थ, सो यहां पर डियर स्टूडेंट्स इंक्वायर्ड आफ्टर होगा, इंक्वायर आफ्टर किसी चीज, किसी का हालचाल पूछना, तीमारदारी करना. और लास्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज ही वॉज रन ब्लैंक बाय अ कार, सो ही वॉज रन ओवर, रन ओवर, रन ओवर आपको पता है कुचलना होता है, क्लियर. सो ही वॉज रन ओवर बाय अ कार. थैंक यू वेरी मच.